हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ दी एटिपिकल फैमिली सीजन 1 के एपिसोड नंबर 5 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में गुइजू को दिखाया जाता है, साथ में दहाई होती है, दोनों किस कर रहे होते हैं। दहाई को ऐसा लगता है कि कोई हमको देख रहा है, इसलिए पीछे मुड़कर देखती है और बाद में अपने रूम में आती है और ये अपने पास्ट में शिकायत करती है, जहाँ हम देखते हैं कि दहाई ने फैमिली रजिस्ट्रेशन को बना लिया था और बाद में गुइजू को रूम में आ गई थी और गुइजू को मोहर लगा दी थी। वहीं गुइजू अपने रूम में होता है, वो डॉक्यूमेंट को देख रहा होता है। बाद में अपनी फायर फाइटर टीम की फोटो को देख रहा होता है और कह रहा होता है कि क्या मैंने सच में दाई को आगे मुझे बचाया था, क्या मुझे पास्ट में जाकर यह सब देखना चाहिए। वहीं दाई भी अपने रूम में लेटी हुई थी और अपने आप से कहती है कि मुझे कब पता चलेगा कि नॉर्मल पीपल नहीं है। बाद में यह बाहर किसी की परछाई को देखती है और फिर आकर ये अपनी विंडो में देख रही होती है और डोंगिया पर उड़ रही होती है। दहाई बुझे डर जाती है और बाद में फिर से देखती है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं होता। दहाई अपने आप से कहती है कि इनके पास सुपर नेचुरल पावर है, हम इनको कभी नहीं हरा पाएंगे। मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ, ये मुझे एक स्टेप आगे रहेंगे और मेरे पास्ट को भी जान सकते हैं। वही गुइजू अपने रूम में आ रहा होता है और डॉक्यूमेंट को देख रहा होता है। दहाई भी अपने रूम में होती है, उड़ रही भी होती है, लेकिन तभी बाहर कोई दरवाजा नॉक कर रहा होता है। दहाई बाद में बाहर आती है और यहाँ पर मनहूम होती है, जो कि ये बताती है कि मुझे नींद नहीं आ रही है। दहाई कहती है कि क्या मैं आपके लिए चाय बनाऊं, मनहूम यहाँ पर हाँ करती है। दहाई बाद में किचन में आती है और मनहूम के लिए चाय बनाती है। मनहूम दहाई से कहती है कि यह तुम ठीक हो, गुइजू ने तुम्हें हमारी फैमिली बारे में बता दिया है कि हमारे पास सुपर नेचुरल पावर है। दहाई कहती है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं सिर्फ कन्फ्यूज हो गई थी, आजकल इस प्रकार की शक्तियाँ मौजूद है, इस बात पर विश्वास करना मुश्किल है। मनहूम यहाँ पर कहती है कि आजकल हमारी पावर काम नहीं कर रही है। दहाई बाद में से कहती है कि आपने सपने मेरे बारे में देख लिया था कि मेरा सोना में एक्सीडेंट होने वाला है, आप सपने में और क्या क्या देख सकती हैं और कितनी जानकारी अब ले सकती हैं। मनहूम कहती है कि ये सब मेरे हाथ में नहीं है, मैं सपने कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ, मैं वही देख पाती हूँ जो मुझे दिखाया जाता है। वैसे मैंने तुम्हारे बारे में एक सपना और देखा था, यह बस सुनकर दाई चौंक जाती है। मनहूम कहती है उसमें सब कुछ धुंधला था। दाई भी चाय में नींद ओले मिला रही होती है, लेकिन यहाँ पर मनहूम उसके पास आ रही होती है और ये ऐसा नहीं कर पाती। मनहूम दाई के हाथ में पकड़ती है और कहती है कि सपने में सब कुछ धुंधला था, लेकिन मैंने एक चीज देख ली थी कि तुमने हमारी फैमिली रिंग पहनी हुई है, लेकिन अगर मैं तुम्हारी चाय पीकर सो जाती हूँ तो मैं सपने में सब कुछ साफ साफ देख सकती हूँ। दहाई भी कहती है कि ठीक है। अगले सीन में गुइजू दिखाया जाता है, जो अपने रूम में होता है और डॉक्यूमेंट को देख रहा होता है और अपने आप से कह रहा होता है कि मैं आंखें बंद करके इस पर विश्वास नहीं कर सकता, मैं उसके प्यार में नहीं पड़ सकता हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं एक दिन ऐसा करूँगा, मुझे उसके से कोई भी प्यार फील नहीं होता है। गुइजू वाले सोने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन ये पास्ट में आ जाता है और ये अपनी देखता है कि मैं तो किस कर रहा हूँ। दहाई अपने पीछे मुड़कर देखती है और गुइजू एकदम से चला गया था, फिर प्रेजेंट में आ गया था और अपने आप से कह रहा होता है कि मुझे सिर्फ सोने की जरूरत है, मुझे किसके बारे में नहीं सोचना है, लेकिन ये फिर भी पास्ट में आता है। गुइजू पर कई तरीके अपनाता है ताकि मैं पास्ट में न जा सकूं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। गुइजू बाद में बाहर आता है और ये अपने दाई को देखता है जो सफाई कर रही होती है। बाद में दाई मशीन को उठाती है और अंदर ले जा रही होती है। गुइजू अपनी सीन की बात करता है कि दाई ने पहले भी ऐसे ही किया था और बाद में इसको फॉलो कर रहा होता है। दाई अपने रूम में आ जाती है जहाँ पर गुइजू की फैमिली की संपत्ति होती है और ये अपने लोकर को चेक करने वाली है और इनको लेने वाली है, लेकिन तभी और गुइजू आता है और कह रहा होता है कि तुम इस रूम में ज्यादा इंटरेस्टेड हो। दहाई बाद में मशीन को बंद करती है और इसे कहती है कि क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड हो, मैंने तो यही सुना है। गुइजू अब इसको कहता है कि चलो बाहर टहलने के लिए चलते हैं। बाद में दोनों बाहर आते हैं। दहाई पर गुइजू से कहती है कि क्या हमें डॉक्यूमेंट के बारे में तुम्हारी फैमिली को बताना चाहिए, लेकिन गुइजू कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, खासकर मेरी माँ को ये पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो इस काम को बाद में जल्दबाजी में करवाएगी और मैं ऐसा नहीं चाहता। वैसे भी डॉक्यूमेंट के बारे में कल तुम जानती हो और नकली भी हो सकता है। दहाई अपनी से कहती है कि क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। गुइजू अपनी से पूछ रहा होता है कि मैंने तुम्हें आग में से बचा लिया था, तुम कब और काम पर थी और मैंने तुम्हें कैसे बचाया था, मुझे सब कुछ डिटेल्स में चाहिए, क्या वो सच में मैं ही था जिसने तुम्हें बचाया था। दहाई बात को पलटती है और बाद में कहती है कि हम दोनों ने किस कर ली है, क्या तुम नहीं जानते उसके बाद क्या होता है। गुइजू पर कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें देखने के लिए किस की थी, लेकिन मुझे कुछ फील नहीं हुआ। दहाई अपनी से कहती है कि तुम्हारा डिसीजन क्या है। गुइजू पर में ये कहता है और बाद में दहाई उसको थप्पड़ मारती है और जा रही होती है। गुइजू उसे कहता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो। दहाई कहती है मैं स्पाई करने के लिए जा रही हूँ। गुइजू बाद में चला गया था और दहाई आगे जाकर रुक गई थी क्योंकि इसके सोलेस खुल गए थे। अगले से मनहूम को दिखाया जाता है जो लोकर अपनी वॉच को ढूंढ रही होती है, लेकिन इसको नहीं मिलती और बाद में डोंगी पास आती है और कहती है मुझे मेरी वॉच दो, लेकिन डोंगी कहती है मेरे पास नहीं है। मनहूम अपनी से कहती है कि तुम पीछे कैसे पा रही हो। डोंगी कहती है कुछ भी नहीं है, लेकिन बाद में मनहूम देखने की चीज करती है और यह चीज़ नीचे पड़ गई थी और यह तो डोंगी का खाना होता है।
बाद में खाने को छुपा रही होती है। डोंगी बाद अपनी माँ को लेकर दाई के रूम के पास आती है और कहती है कि आपकी गड्डी से चुराई होगी। बाद में तुम दाई के रूम में आते हैं लेकिन यहाँ पर दाई नहीं होती, दाई गुरु जी के रूम में होती है। वो जैसे ही आप आते हैं यह कुछ छुपा रही होती है। डोंगी अपनी इसके पास आती है और कहती है कि वो उस काम पर है, यहाँ पर गुरु जी और साथ में सुन गुआ गए थे और पूछ रहे थे गुआ क्या है। डोंगी यहाँ पर कहती है इसने माँ की वो चुराई है, इसके सिवा कौन चुरा सकता है। गुरु जी यहाँ पर कहता है तुम चुरा सकती हो, लेकिन डोंगी यहाँ पर कहती है कि रात को आप रूम में आई थी वो तर्जा कर रही थी। तभी डोंगी इसके पॉकेट में डॉक्यूमेंट को देखती है और बाहर ले आती है और अब सभी अपनी इसको देखते हैं जो कि मैरिज रजिस्ट्रेशन वाला होता है। डोंगी भी इसको देखकर पूरी तरह से टूट गई थी। गुरुजी और दाई से कहता है कि ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है। दाई यहाँ पर कहती है कि ये तुम्हारी दराज में था और मैं सिर्फ देख रही थी। गुरुजी की फैमिली गुरुजी से कहती है कि क्या सच है, क्या तुमने ऐसा किया है, क्या ये तुम्हारी मोर है। गुरुजी और पहले मना कर देता है और बाद में यहाँ बढ़ता है और कह रहा होता है लेकिन ये मैंने अभी तक नहीं किया है, ऐसा होने वाला है। डोंगी कहती है तुम कैसी बकवास कर रही हो। सुन गया पर कहता कि वो तो अच्छी बात है, हमें इसके लिए फेस्टिवल करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मनुम कहती है कि वो डिस्ट्रिक्ट को भी जाना चाहिए। गुरुजू इसके लिए सहमत होता है। मनुम बाद में कहती है कि दाई की फैमिली तो नहीं है। गुरुजू कहता है कि इसकी फैमिली है। सभी इस बात को लेकर चौंक जाते हैं। बाद में अब दाई बताती है कि मेरे पिता के निधन के बाद एक महिला मेरी देखरेख कर रही थी और उसी को मैं माँ कहती हूँ। बाद में बाहर आते हैं। मनुम यहाँ पर यह कहती है कि मैंने सोना के बारे में पहले सपना देखा था जहाँ पर दाई का एक्सीडेंट हुआ था, मुझे उसके बारे में बुरा फील हो रहा है, क्या अब तक यह कोई वार्निंग हो। वह यहाँ पर सुनगू से कहती है कि तुम्हें इसके बारे में खुदाई करनी चाहिए। डोंगी भी बाद में अपनी माँ से कहती है कि क्या मुझे भी ऐसा करना चाहिए, लेकिन ये मना कर देती है। अगले दिन स्कूल में आइना को देखते हैं और मनुम की वॉच तो इसके पास होती है और हायरीन को देती है और कहती है कि तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, ये एडवांस में तुम्हारे लिए गिफ्ट है। हायरीन भी वॉच को लेती है और कहती है कि मुझे ऐसी पुरानी वॉच पसंद है और इस पर सोने का प्रेम है। बाद में जुनू पास से जा रहा होता है और इन दोनों को बाई कहता है, हायरीन ने बाई कह दी थी। जुनू बाद में फिर से आता है और आइना से कह रहा होता है कि ये तुम बाई नहीं कहने वाली। आइना बाद में बाई कहती है और बाद में जुनू चला गया था। हायरीन बाद में आइना से बात करती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में जुनू से बात की थी और मैंने उसको कह दिया था कि तुम थोड़ी अजीब हो। आइना भी ऐसा करने के लिए थैंक यू कहती है। तभी हायरीन इसे जूतों को देखती है और कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छे हैं। आइना अपनी इसके आंख में देखती है और हायरीन अपने आप से कहती है कि अगर मैं इसे जूते उधार ले लेती हूँ तो क्या बहुत ज्यादा हो जाएगा। आइना बाद में इसे कहती है कि क्या तुम जूते उधार लेना चाहोगी। हायरीन भी ऐसा राजी होती है और जूतों को पहनती है और कहती है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, तुम मेरी सबसे अच्छी पहली दोस्त हो। अगले सीन में सुनगु को देखते हैं जो प्लेस वाले में आया हुआ था और अंदर को देखने का ट्राई कर रहा होता है। अंदर यहाँ पर एक आदमी होता भी है और ये घूमता होता है। सुनगु के पास बाद में कॉल आती है और एक आदमी से कह रहा होता है कि मुझे किसी के बारे में पता लगाना है। अगले सीन में सुनगु इस आदमी के पास आता भी है जो कि एक डिटेक्टिव होता है। सुनगु अपने इसको एलोंग के बारे में बता रहा होता है और बताता है कि एक लड़की की शादी मेरे बेटे से होने वाली है और ये उसकी माँ है। डिटेक्टिव को पहले नहीं पता होता कि लोग कौन है, लेकिन बाद में लोगों के बारे में सब कुछ बता देता है। अगले से मनुम को देखते हैं साथ में दाई होती है। बाहर यहाँ पर कोई बैल बजा रहा होता है। दाई पर देखती है कि बाहर कौन है और इसको देखकर चौंक जाती है क्योंकि बाहर इसकी माँ होती है। बाद में सब बैठकर यहाँ पर बात कर रहे थे। सुनगु मनुम के पास कॉल करता है और बता रहा होता है कि लोग एक अपराधी है और वो जेल में जा चुकी है। वह लोगों को पैसा देती है और बाद में उसे पैसा वसूलती है और आज तक उसने जितना भी पैसा दिया था उसे वो पैसा वापस मिल गया है और जो लोग पैसा नहीं दे सके वे लोग नहीं बचे। मनुम बाद में इसको कहती है कि लोग हमारे घर पर आई हुई है और मेरे सामने बैठी है। अभी तो लोग यहाँ पर बात कर रही थी। दाई अपने के लिए चाय लेकर आती है। ये लोग यहाँ पर मनुम से कहती है कि मुझे पता चला कि दाई तुम्हें यहाँ पर परेशान कर रही है, लेकिन यहाँ पर मनुम कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, ये हमें बिल्कुल ही परेशान नहीं कर रही है। ये लोग बाद में बताना स्टार्ट करती है कि एक स्पा में काम किया करती थी लेकिन तुम इसे यहाँ पर ले आई और अभी अजनबियों के साथ रह रही है, इसके पीछे कोई गारंटी नहीं है, कम से कम इसे यहाँ पर काम करने का पैसा तो दे दो या फिर इसका कोई इंश्योरेंस बनवा दो। मनुम यहाँ पर इसको कहती है कि हम दाई को फैमिली मानते हैं। ये लोग बाद में ये कहती है कि आपने अपनी पहली वाली बहू के साथ ये सब कर दिया, उसके प्रति आप बहुत ही कठोर थी, जब तक वो मर नहीं गई आप उसके प्रति ऐसी ही रही, आपने उसकी फैमिली के बारे में भी नहीं सोचा। पास में गुरुजू बैठा हुआ था और ये सब सुन रहा होता है। इलहोंग कहती है कि ये सब अफवाहें हैं जो मैंने आपके बारे में सुनी है। मनुम भी बाद में इसे कहती है कि मैंने भी तुम्हारे बारे में कुछ सुना है जिसको नकारा नहीं जा सकता। बाद में इलहोंग बताई देती है कि मैं एक अपराधी हूँ और मेरी एक बेटी थी और जब मैं जेल में थी तब उसकी डेथ हो गई थी, इसलिए मैंने कुछ अलग करने का फैसला किया ताकि मैं पैसे कमा सकूँ और दाई जैसी लड़कियों की रक्षा कर सकूँ और इसमें कुछ गलत बात नहीं है। ये लोग साथ में ये कहती है कि मैं नहीं चाहती हूँ दाई को फैमिली में से बाहर धकेल दिया जाए, इसीलिए इसकी शादी करने पर जोर देती है। बाद में दोनों जा रही होती है। मनुम इनको ऊपर से देख रही होती है। गुरुजू अपनी माँ के पास आता है और कह रहा होता है कि आप दोनों बहुत ही कमाल कर रही थी,
क्या मुझे मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए, और यही आप चाहती थी। मुनीम यहाँ पर कहती है कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है और बाद में चली जाती है। घर के बाद आयबी अपनी माँ से बात करती है और कहती है कि ये सब क्या था, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। इन लोग यहाँ पर कहती है कि हम उस पर खुदाई कर रहे थे और मुझे सब करना ही था। वैसे कहते उन्होंने डॉक्यूमेंट पर साइन ले लिए है और कहते उन्होंने स्कूल वाली चाल का यूज किया है। दाया यहाँ पर कहती है कि मैं सब नहीं करना चाहती। बाद में प्राइना आती है और ये सब आइना से मिल रहे होते हैं। दाया प्राइना के जूते की ओर देखती है। इलोंगिया आइना से बात करती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम आइना हो, मैं जल्दी तुम्हारी नानी बनने वाली हूँ। आइना प्रिंस से कोई बात नहीं करती और घर के अंदर आती है। दाए भी लोग ऐसे भेज देती है और बाद में आइना के पास आती है और कहती है कि तुम्हारे जूते कहाँ पर हैं। आइना कहती मैं चेंज करना भूल गई। दाए पर अपने एक सीन को याद करती है जो पास्ट का होता है। जय लोकल में जूतों को देखती है और यहाँ पर इसके जूते भीगे हुए थे। पास में स्कूल की लड़कियाँ होती है जो केसरी होती है और इन्होंने दाए के जूतों के साथ चेक किया था और बाद में दाए बिना जूतों की क्लास में आ रही होती है और सभी बच्चे इसको देख रहे होते हैं। दाए बाद में आइना के पास आती है। आइना ग्रुप में चैट करी होती है और इनके पास मैसेज सेंड करी होती है। दाए अब आइना के पास आती है और कहती है कि क्या स्कूल में कुछ हुआ है, लेकिन ये मना कर देती है। लेकिन तभी दाए आइना की सिर में देखती है और कहती है कि क्या तुम्हें चोट लगी है। आइना पर कहती है कि एक पुराना निशान है। दाए अपने आप से कहती है कि क्या इसे धमका जा रहा है। आइना पर कहती है कि स्कूल में मेरे दोस्त हैं। दाए बाद में जा रही होती है और वैसे याद करती है कि इसने पहले मुझे कह दिया था कि तुम यहाँ पर बिल्डिंग के लिए आई हो। दाए बाद में आइना की ओर देखती है और अपने आप से कहती है कि आइना तुम्हारे सिर पर एक मकड़ी है। आइना पर इसे कहती है कि तुम क्या कर रही हो। दाए पर कहती है मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। दाए बाद में चली जाती है। अगले इसमें ग्रेस को दिखाया जाता है जो जिम में होती है और एक आदमी उसको देख रहा होता है और इसके लिए खुद को चोट पहुंचा रहा होता है। ग्रेस अपनी सेब पास आती है और कहती है कि अगर इसे ऐसा मत करना। पास में वो डोंगी होती है जो कि सब देख रही होती है। ग्रेस बाद में बाहर आती है, साथ में आदमी भी आता है और ग्रेस को बाहर ले जाने के लिए कह रहा होता है, लेकिन ग्रेस ने मना कर दिया था। बाद में आदमी उसको पकड़ता है, लेकिन अब डोंगी आती है और इसकी हेल्प करती है और इस आदमी से कहती है कि तुम्हें जिम आने के लिए ज्यादा पैसे देने होंगे। बाद में उसको ले जाने के लिए कहती है। ग्रेस भी बाद में डोंगी से कहती है कि क्या हमें खाने के लिए चलना चाहिए। अगले सीन में दोनों खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पहले ग्रेस ये बताती है कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ लेकिन मुझे कोई नहीं पहचानता है। बाद में वो डोंगी यह बात कहती है कि मेरे भाई की एक लड़की की शादी होने वाली है, लेकिन वो लड़की हमारे परिवार के लिए ठीक नहीं है, वो हमारे परिवार के बारे पता लगा रही है। गणेश कहती है उसने क्या किया है। डोंगी बाद में कहती है कि उसने मेरे भाई गड़ी चुराई है। तभी अब गणेश कहती है कि जब उसकी शादी हो जाएगी तो उसे 50 अरब वोन की बिल्डिंग मिलेगी, उसने गड़ी चुराना छोटा काम क्यों किया। डोंगी बाद में से कहती है कि तुम इसके बारे में कैसे जानती हो। गणेश यहाँ पर कहती है कि ये तो मार्केट का प्राइस है और जिम में हर कोई ये बात जानता है कि जिम वाली बिल्डिंग तुम्हारी माँ की है। अगले से मुनीम को दिखाया जाता है, साथ में सुनगू होता है। मुनीम के सामने पर खाना होता है लेकिन ये नहीं खा रही होती है। दाए भी इसके चाय लेकर आती है लेकिन ये चाय नहीं पीती है। बाद में वो डोंगी आती है। अभी तीनों बैठकर बात करने वाले थे और दाए को इन्होंने बाहर भेज दिया था, वो दरवाजे लॉक कर दिए थे। बाहर से दाए सुन रही होती है कि ये सब क्या बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर गुइजू होता है जो इसको ऐसा करते देख लेता है और बाद में कहीं पर चलने के लिए कह रहा होता है। अंदर मुनीम डोंगी से कहती है कि दाए में एक अपराधी है। डोंगी यहाँ पर कहती है कि हमारे परिवार को नष्ट करने वाले हैं, हमें हमारे परिवार को बचाना होगा। सुनगू यहाँ पर कहता है कि दाए ऐसी नहीं है, लेकिन यहाँ पर डोंगी कहती है कि वह भी अपराधी हो सकती है। मुनीम बाद में कह रही होती है कि मैंने जो सपना देखा था वह तो अलग था। डोंगी अपनी माँ से कहती है कि क्या ब्रिंग वाले सपने की बात कर रही है, आपको अपना सपना यह नहीं बता रहा होता है कि लड़की हमारे परिवार की रक्षा करेगी। दाए ने उस रिंग को चुरा लिया होगा और रिंग को पहन लिया होगा, वह सपना आपको वार्निंग दे रहा था। वही गविजू भी दाए से बात कर रहा था और कह रहा था कि मैं वह नहीं हूँ ना जिसने तुम्हें 13 साल पहले आग में से बचाया था, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उस टाइम आइना का जन्म हुआ था। मैं कितनी भी ट्राई कर लूँ मैं उस टाइम में नहीं जा सकता, तो मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ। दाए यहाँ पर कहती है क्योंकि तुम मुझे प्यार करते हो। गविजू यहाँ पर कह रहा होता है कि तुम सवाल को मत चेंज करो और जो मैं पूछ रहा हूँ मुझे बता दो। लेकिन दाए यहाँ पर कहती है मुझे नहीं पता, और बाद में जा रही होती है। लेकिन गविजू चिल्ला रहा था और कह रहा था कि तुम ही क्यों हो, तुम्हें मुझे पास्ट में क्यों देख सकती हो और मैं तुम्हें क्यों बचा सकता हूँ। दाए चिल्लाती है और कहती है कि मैं नहीं जानती हूँ, मुझे नहीं पता तुम मुझे बचाने के लिए पास्ट में कैसे जाओगे। तभी गविजू गायब हो गया था और उस टाइमिंग में आ गया था जब दाए ने उसको थप्पड़ मारा था, और बाद में दाए जा रही होती है और इसके शोले खुल गए थे। अब गविजू इसको देख रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम भी दर्द में हो सकती हो, इसलिए तुम नहीं बताना चाहती। दाए बाद में इसको देखती है और कहती है कि तुम तो चले गए थे। गविजू बाद में दाए के पास आता है और इसके शोले इसको बांध रहा होता है। बाद में गविजू प्रेजेंट भी दाए के पास आता है। दाए अपनी से कहती है कि तुम कहाँ गए थे, क्या तुम फिर से मुझे मिले थे, ये सब कहा और कैसे हुआ था, तुम मुझे कहाँ मिले थे। ये कुछ भी नहीं बोल रहा था। दाए बाद में इसे कहती है ठीक है मुझे मत बताओ, लेकिन एक बात तुम जान लो, 13 साल पहले जो कुछ भी हुआ था वह मेरे लिए आसान नहीं था। गविजू यहाँ पर कहता है कि कम से कम अब तो मैं इसके बारे में जानता हूँ। दाए बाद में अपने रूम में आती है और अपने सामान को देख रही होती है और बाद में बाहर आती है।
वो जूते को पहन रही होती है। इसके पास डोंगी आती है और कहती है कि अगर तुम जूते पहनने वाली हो तो भागने के लिए इनके सोलेस बांध लेना। लेकिन यह दाई कहती है मैं क्यों भागूंगी। डोंगी बाद में बैग में देखती है और कहती है कि ये सब क्या है। दाई पर कहती है कि मैं इन्हें के स्कूल में जा रही हूँ, मैं उसके जूते देने वाली हूँ। अखिलेश में गवीजू अपने रूम में होता है और यह पर सुनबू आता है जो कि दाई के बारे में बात कर रहा था और कह रहा था कि मैं भी इस बात को लेकर चौंक गया था कि उसकी मैं एक अपराधी है। लेकिन दाई ऐसा नहीं है, वो अपने पास्ट को पीछे छोड़ना चाहती है। हालांकि वो पास्ट को चेंज नहीं कर सकती है लेकिन वो प्रेजेंट को चेंज कर सकती है। तुम्हें सब उसे प्यार करना है, गवीजू अपने से कह रहा होता है कि मैं कोई गड़बड़ कर सकता हूँ। सुनगू कहता है कि तुम कर सकते हो लेकिन तुम उसको बाद में ठीक भी कर सकते हो। तुम पास्ट में जाकर दाई से माफी मांग सकते हो, तुम उसे बात कर सकते हो। बाद में सुनगू फोन को उठाता है और इसे कह रहा होता है कि भी दाई के पास कॉल करो। लेकिन तभी गवीजू गायब हो गया था और उस सीन में चला गया था जहाँ दाई को किस कर रहा होता है और अपने आप से कह रहा होता है कि क्या मैं फिर से प्यार कर सकता हूँ। बाद में चला गया था लेकिन तभी राइना को देखता है जो कि अब रूम में आती है और बड़ी को चोरी कर रही होती है और यह पर कह रही होती है कि उस पर अच्छी लगेगी। गवीजू यहाँ पर सब देख रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम घड़ी क्यों चुरा रही हो, तुम मुझे घड़ी लाने के लिए कह सकती थी। और वैसे कहते हैं स्कूल में धमका जा रहा है लेकिन नैना नहीं इसको देख पाती है और नहीं सुन पाती है और बाद में चली जाती है। अगले इसमें दाई को दिखाया जाता है जो आईना के स्कूल में आई हुई थी और आईना के बारे में पूछ रही होती है लेकिन किसी को नहीं पता होता कि आईना कौन है। बाद में आईना को देख लेती है साथ में हैरीम होती है। दाई यहाँ पर आईना के पास आती है और कहती है कि मैं जूते तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। दाई बाद में हैरीम की ओर देखती है और इस नए नए जूते पहने हुए थे। हैरीम अब राइना से कहती है कि ये कौन है, क्या तुम्हारी माँ है, लेकिन ये मना कर देती है। दाई बाद में इना से कहती है कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। अगले सीन में से बात करती है और यहाँ पर ये कहती है कि क्या ये सब हैरीम के लिए है, तुमने उसके लिए घड़ी चुराई है और अपने जूते दे दिए हैं। लेकिन अब राइना कहती है कैसा नहीं है। दाई बाद में इसे कहती है कि तुम्हारी फैमिली को इसके बारे में बता होना चाहिए, मैं तुम्हारे पिता को इसके बारे में बता दूंगी। लेकिन आईना कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकती और बाद में इसके पास आती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम धोखेबाज हो, मुझे पता है तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो, तुम मेरे पिता से शादी करना चाहती हो ताकि अब उसकी गार्डियन बन सको और बिल्डिंग को ले सको। मुझे तुम पर थोड़ा पहले अफसोस हुआ था जो कि तुम्हारी दो शादियों को लेकर था लेकिन वो तुम्हारी दोनों शादी झूठी है। दाई बाद में इसे कहती है तुम कैसे जानती हो, क्या ये तुम्हारी पावर है। आईना पर इसे कहती है कि अगर तुमने मेरे बारे में मेरे पिता को बता दिया तो मैं भी तुम्हारे बारे में बता दूंगी, इसीलिए अपना मुंह बंद रखो। स्कूल में बारी अगर गवीजू को देखते हैं जो अपनी एंट्री करवा रहा होता है लेकिन तभी अब दाई का नाम देखता है और वह भी स्कूल में आई हुई थी। वही दाई को भी पास में देखते हैं जो लोगों से बात कर रही होती है और कहती है कि मैं सब और नहीं कर सकती हूँ, इनको हमारे बारे में सब कुछ पता है, ये हमारे पास को साथ में फ्यूचर को जानते हैं, इनको पता कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ। तभी दाई पर गवीजू को देखते गवीजू भी दाई को देखता है लेकिन दाई गवीजू से कोई बात नहीं करती और ऐसे भाग जाती है और एक ऑडिटोरियम में आ गई थी और यहाँ पर छिप गई थी। लेकिन बाद में अपने सिक्योरिटी गार्ड आ गया था और कमरों को यहाँ पर लॉक कर रहा होता है और दाई अब रूम में लॉक हो गई थी। बाद में दाई को पता चलता है कि मैं लॉक हो गई हूँ। फिर ये अपनी उमता के पास कॉल करती है और दो तीन बातें करती है लेकिन तभी इसकी बैटरी लो हो जाती है। बाद में उमता दाई को देने के लिए बाहर जा रहा होता है लेकिन इसको ये लोग रोक लेती है। वही दाई भी अपनी स्टोरेज रूम में होती है और ये रूम को देखती है और बाद में वो जाली के पास आती है और इसको निकाल रही होती है। लेकिन तभी एक पास्ट का सीन शुरू हो जाता है जहाँ दाई स्कूल टाइम में होती है और एक जाली को उठा रही होती है। बाद में स्कूल में आप ये देखते हैं कि दाई अब एक लड़की से टकरा गई थी। बाद में सभी लड़के दाई को स्टोरेज रूम में ले आती है और कहती है कि हम अपने गेम खेलने वाले हैं, हम तुम्हें यहाँ पर लॉक करने वाले हैं, अगर किसी ने यह पूछ लिया कि दाई कहाँ पर है तो तुम ये खेल जीत जाओगी, लेकिन अगर ऐसा किसी ने नहीं किया तो यह खेल चलता रहेगा। बाद में दाई को स्टोरेज रूम में लॉक कर देते हैं। अगले इसमें सभी बच्चे क्लास में होते हैं, टीचर क्लास में अटेंडेंस ले रहा होता है और दाई की सीट की ओर देखता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता। दाई भी स्टोरेज रूम में होती है और इमरजेंसी अलार्म की आवाज़ सुनती है। क्लास के सभी बच्चे बाहर आते हैं और ये अपने ये देखते हैं कि यहाँ पर स्कूल में आग लग गई थी और सभी बच्चे ऐसे भाग रहे थे। बाद में ये सभी ऐसे भागते हैं। वही दाई भी स्टोरेज रूम में होती है और इसके रूम में भी धुआं आ गया था और ये चिल्ला रही होती है लेकिन कोई भी इसके हेल्प के लिए नहीं आता। दाई बाद में और जाली को उठा रही होती है और कह रही होती है कि मैं यहाँ पर अकेली थी, कोई भी मेरी तलाश में यहाँ पर नहीं आया, सभी बच्चे स्कूल से बाहर भाग गए थे। लेकिन तभी हम यहाँ पर प्रेजेंट में देखते हैं कि यहाँ पर गवीजू आ गया था। गवीजू दाई को सांस लेने के लिए कह रहा होता है। दाई बाद में गवीजू से कहती है कि तूने मुझे किस प्रकार ढूंढा, मेरी तलाश में कोई भी नहीं आया था, मुझे उस टाइम लग रहा था कि मुझे ढूंढने के लिए कोई नहीं आएगा, यह सब पिछली बार की तरह ही है, स्कूल में आग लगी थी और मुझे स्टोरेज रूम में बंद कर दिया गया। गवीजू बाद में अपनी सीन याद करता है कि जब स्कूल में आग लगी थी तब एक लड़की यूजिन से कह रही होती है कि पांचवीं मंजिल पर एक स्टोरेज रूम है और अब एक लड़की रह गई है। प्रेजेंट में गवीजू बाद में दाई से कह रहा होता है कि क्या वह स्टोरेज रूम पांचवीं मंजिल में था। दाई पर हाँ भरती है और इसे कहती है कि तुम कैसे जानते हो। गवीजू बाद में दाई से कह रहा होता है कि शायद ऐसा लग रहा है कि मुझे वो आदमी बनना होगा जो कि तुम्हें बचाने वाला है और मैं तुम्हें बचा लूंगा,
गाय बाद में ऑपरेशन की याद करती है कि जिस आदमी ने मुझे बचाया था उसकी गर्दन पर एक निशान था। गाय बाद में कहती है कि मैंने यह उम्मीद की थी कि जिसने मुझे बचाया था वही आदमी होना चाहिए, लेकिन बाद में उसकी गर्दन पर देखती है और कहती है कि यह सच में यही आदमी है जिसने मुझे बचाया था। और बाद में एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, अब हम मिलेंगे एपिसोड 6 में जो कि कल आने वाला है। तब तक के लिए बाय।